आपका मेरे चैनल धागों के खेल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे स्केच करना, डिजाइन स्केच करना और एम्ब्रॉयडरी करना बताने जाना। 16.5 का स्क्वायर में कपड़ा लेना है और पूरे में 1.5 का स्क्वायर बना देना है इस तरीके से। फिर स्क्वायर में ये जिग चेक करते हुए हमें बनाना है। एक स्क्वायर में बाहर की तरफ जाना है और दूसरे में अंदर की तरफ जाना है। इसी तरीके से दूसरे में भी बनाना है। ये देखिए, हाँ, ये बाहर की तरफ आ रहा है, एक स्क्वायर हो गया। फिर ये हमें दूसरे में अंदर की तरफ ले जाना है। फिर इसी तरीके से पूरे स्क्वायर में हमें ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं आपके आसानी के लिए ये पेपर पे करके दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए, जिग से करते हुए पूरे में डिज़ाइन बनानी है। एक स्क्वायर में इस तरह से अंदर की तरफ से जाएगा और फिर इसके ऑपोजिट में उसी तरह से झिकझक का बनाना है। और ये देखिए, एक स्क्वायर में ये बेल रहेगा इस टाइप से डिज़ाइन, और दूसरे में फिर हमें पत्ती बनानी है। ये देखिए, पत्ती बनी है। फिर ये इस तरह से लत्ती की तरह रहेगा, दूसरे में फिर पत्ती बनेगी। इसी तरीके से हमें ये देखिए ऑल्टरनेट करके है, हाँ। फिर ये देखिए, ये अल्टरनेट एक तरफ वो बेल रहेगी, फिर ये पत्ती रहेगी, फिर ये वो बॉल रहेगी, वो पत्ती रहेगी। इसी तरीके से पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। पूरे कुशन कवर का जो है एरिया, उसे हमें इसी तरह से कवर करना है। इस तरीके का डिज़ाइन आप बेडशीट पे भी बना सकती हैं। आप अगर पूरे बेडशीट में बनाना चाहें तो पूरे बेडशीट में बनाइए, या फिर बीच में बनाइए स्क्वायर दे के। देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है, बनाने में आसान भी है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से ये कपड़े पे ठीक उसी तरह से ये बना लेना है। ये देखिए, आसान है, एक बार समझ लेने के बाद बहुत बहुत। ये पूरे कपड़े पे स्केच कर लिया गया। ये देखिए, में डिफ़िकल्ट है लेकिन ये आसानी से उपलब्ध है। अब हमें ये दो कलर का थ्रेड लेना है और ये रनिंग स्टिच से बनाना है। रनिंग स्टिच मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताई हुई हूँ, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। रनिंग स्टिच में बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ये देखिए कितनी आसानी से और जल्दी फटाफट बनता है। ये इस डिज़ाइन को आप कहीं पे भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। टेबल क्लॉथ पर बनाइए, बेडशीट पर बनाइए, कुशन कवर पर बनाइए, जहाँ मर्जी हो बना सकती हैं आप। एक बार स्केच करना समझ लीजिए, स्क्वायर में इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आप फटाफट बनाते भी जाइए, फिर उसके बाद आप स्केच भी कर लीजिए। एक तरफ से बनाते जाइए, फिर आगे स्केच कर सकती है। एक बार स्क्वायर आपको बनाना है, बस स्क्वायर बना लेने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेड का कलर आप अपने मनपसंद रख सकती हैं। जैसे दो स्क्वायर में आप एक कलर लगाएं, फिर दूसरे में चेंज भी कर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली वाले में मैंने यहाँ पे चेन स्टिच नहीं लगाया है और इसमें मैं चेन स्टिच लगा दे रही हूँ। चेन स्टिच से लगाने से थोड़ा यहाँ पर हाँ बोल्ड दिखेगा इस तरीके से। अब हमें इस पत्ती को रेड या मरून से बनाना है। मैं यहाँ पे मरून कलर लगा रही हूँ। यहाँ पे साटन स्टिच का इस्तेमाल हुआ है, ये देखिए साटन स्टिच। आप एक बार इस डिज़ाइन को जरूर ट्राई करें, फिर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इस तरीके से हमें पूरे में बना लेना है, फिल कर देना। बनने के बाद ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका लुक बिल्कुल रेडीमेड की तरह आता है। देखने वाले ज़रूर पूछेंगे कहाँ से लिए। धन्यवाद।